हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज। आज के सेशन में हम लोग बीएमसी ने रिलीज़ किया हुआ जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर फॉर ऑफ मैकेनिकल एज वेल एज इलेक्ट्रिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कस करने वाले। इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि क्या सिमिलरिटीज़ है बिटवीन सब इंजीनियर का जो भी ऑफिशियल सिलेबस आया था और इस सिलेबस में। देखिए, मैं बताना चाहूँगा, सिलेबस में मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया कोई भी ऐसे चेंजेस नहीं है, बट एक पॉइंट ऐड कर दिया है उन्होंने जो कि है एनवायरमेंटल स्टडीज़ फॉर द इलेक्ट्रिकल एज वेल एज मैकेनिकल। इसके ऊपर भी सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस है, फिलहाल हम लोग उसके बारे में डिस्कस नहीं करने वाले। इसलिए अगर जो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होंगे वो इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। हालांकि मैंने कल भी कम्युनिटी पेज पे इसका लिंक प्रोवाइड किया था, जिन लोगों ने नहीं देखा होगा कोई बात नहीं, आज आप ये सेशन में आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। सो देखते हैं क्या क्या चेंजेस आए हुए हैं। यहाँ पे आप एनवायरमेंटल स्टडीज़ करके एक नया पॉइंट है, इसका हम लोग सेशन जल्दी से जल्दी लेके आएंगे, और बाकी का जो भी सिलेबस है मैकेनिकल एज वेल एज इलेक्ट्रिकल का वो कंप्लीट सेम है। देखिए, मैं आपको याद होगा बीएमसी भी सब इंजीनियर रिक्रूटमेंट के टाइम मैंने सभी भी चीज़ों का सेपरेट सेपरेट सेशंस लाए थे हर एक एमसीक्यूज के बारे में। इस बार भी हम लोग उस सेशंस को रेफरेंस रखते हुए रिवाइज टॉपिक के ऊपर हम लोग सेशंस को लाने वाले हैं। और यहाँ पे जो भी आप एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे जो लेवल रहेगा वो डिप्लोमा लेवल रहेगा, जो भी MSBT ने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने जो भी प्रोवाइड किया है डिप्लोमा लेवल के जो MCQs है ये टॉपिक्स के ऊपर वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए आगे आने वाले हर एक सेशन को आप ध्यान से देखिएगा। अब फिलहाल के लिए रेफरेंस के लिए जो भी मेरे प्रीवियस वाले सेशन है BMC सब इंजीनियर रिक्रूटमेंट का वो पूरे आप जाके देख लो, उसका मैंने कंप्लीट एक प्लेलिस्ट बना दिया है, आप उसको जाके कंप्लीट रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि वो भी जो इंपॉर्टेंट MCQs है वो भी इस सेशन के लिए इस रिक्रूटमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान में रखिएगा, मैं रिपीट करता हूँ, लास्ट टाइम भी मैंने बोला था और उसी में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपने बताए थे कि उसी में से क्वेश्चंस आए हुए हैं, 10-20 से 25 क्वेश्चन सेम टाइप के डिफरेंट चीज़ में आए हुए हैं। उसका सब इंजीनियर रिक्रूटमेंट का जो भी एक रिव्यू पेपर भी है वो भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आप चैनल पर जाके देख सकते हो। यहाँ पे देखते हैं सिलेबस में क्या क्या मैंशन है। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है, जैसे कि इसमें पॉइंट्स है थ्योरी ऑफ मशीन डिज़ाइन कंसेप्ट, ये सभी चीज़ें हम लोगों ने इसके पहले भी देखी, फिर भी हम लोग नए से नए MCQs के साथ में सेशंस को देखने वाले हैं। इसमें आप देख सकते हैं कंसेप्ट्स ऑफ CISI इंजन, एफिशिएंसी, इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल, इलेक्ट्रिकल। मैं बताना चाहूँगा जो टॉपिक रिडंडेंट नहीं है या फिर जो टॉपिक स्टैटिक है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, कुछ कुछ जो पॉइंट्स है, कुछ कुछ सेशंस उन लोगों को इंपॉर्टेंस ना देते हुए हम लोग बाकी के जो ज़्यादातर जहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस उनको हम उनसे उसके सेशन दो से तीन सेशन हम लोग लाने का ट्राई करेंगे बिफोर द एग्जाम, सो दैट आपका मल्टीपल MCQs कवर हो जाए। जैसे इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स है, इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन टॉपिक्स है इस BMC JEE के रिलेटेड। सो आई होप ये आपको सब चीज़ें समझ में आएंगी। आप इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दे दूंगा, और कोई भी आपको डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बोलिएगा। सो टिल द नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू एंड हैव अ नाइस डे।